झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। आगामी गुरुवार से देश में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार 19 मई से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में नए सिरे से लू चलने की संभावना है। वहीं IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई अहम बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि आज से दो दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि आगे चलकर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। वहीं IMD के मुताबिक 19 मई से अधिकतम तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ने वाला है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं IMD ने 20 से 21 मई को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और विदर्भ में हीट वेव की भविष्यवाणी की है। वहीं 19 और 20 मई को दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हीट वेव की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा राजस्थान के कई हिस्सों में भी 20 से 21 मई को हीट वेव की आशंका जताई गई है। IMD के मुताबिक एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19 से 21 मई के बीच जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना है। वहीं 20 और 21 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में गरज या बिजली और ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ छुटपुट बारिश या बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 20 और 21 मई को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की अनुमान भी जताया गया है। IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और रायसीमा में भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।